टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सिरेमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव टॉक्ड अबाउट मेटलिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिरेमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। फर्स्ट मेनली सबसे पहली बात इसमें कि सिरेमिक बेसिकली कम से कम दो एलिमेंट से बनता है, ठीक है। तो इसमें कम से कम दो एलिमेंट्स होने जरूरी हैं। इसके अलावा एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि मेटल का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी सिंपल होता है एज़ कम्पेयर टू योर सिरेमिक्स। सिरेमिक्स हैव वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सो तो बेसिकली सिरेमिक में दो तरह की बॉन्डिंग सिरेमिक मटेरियल जो हैं, जो कम से कम दो एलिमेंट से बनते हैं, मिनिमम टू एलिमेंट्स, उनमें दो तरह की बॉन्डिंग होती है, या तो मेटलिक हो गया तो कोवलेंट बेस हो, ठीक। लेकिन मेनली इसमें हम लोग देखते हैं मेटलिक बॉन्डिंग होती है जनरली, और ये जितनी ज़्यादा आयनिक करेक्टर उतना ज़्यादा दिखाएगा जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी बिटवीन दीज एलिमेंट्स। सो यू कैन सी फ्रॉम दिस चार्ट देयर आर सम एग्जांपल। CaF2 में के केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रो परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रो आयनिक करेक्टरिस्टिक है वो सबसे 89% है, यानी मतलब ऑलमोस्ट ये आयनिक है। और एज सिलिकन कार्बाइड को जब आप देखेंगे SiC, यू कैन सी दैट इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल 12%, एंड इट मीन्स दैट ऑलमोस्ट 78% इज योर इट इज शोइंग कोवलेंट करेक्टरिस्टिक। सो सिलिकन कार्बाइड इज मोर टुवर्ड योर कोवलेंट साइड एज कम्पेयर टू योर आयनिक साइड, बट मोस्टली सिरेमिक्स आर आयनिक इन करेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो नेक्स्ट है आयनिक बॉन्डिंग। अगर हम आयनिक क्रिस्टल सिरेमिक्स की बात करें तो इसमें दो चीजें हैं। जब देखिए आयन कैसे बनता है, सबसे पहली बात उसमें एक मेटल आयन, मेटल का आयन होगा, जो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की और उसको कटायन बनाने की, यानी मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करके कटायन बनता है, और जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मेटल पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये है मेटल की, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जनरली इट इज गोइंग टू बी स्मॉलर एज कम्पेयर टू योर एनायन। ओके, एनायन इज गोइंग टू बी मच लार्जर एज कम्पेयर टू मेटेलिक आयन। इट इज नॉट ए मतलब ये एक फिक्स नहीं है, लेकिन मतलब जनरली ये होता है कि मेटेलिक आयन्स आर गोइंग टू बी स्मॉलर इन साइज एंड एनायन्स आर इन लार्ज इन साइज बिकॉज इट इज गोइंग टू गेट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका आउटर मोस्ट शेल जो है मैं इलेक्ट्रॉन वो आ जाएगा, तो इस वजह से उसका साइज बढ़ जाएगा। जबकि मेटल क्या करता है, अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तभी तो वो पॉजिटिव साइज बनाता है। तो इस तरह से हमें ये है कि मेटल का साइज जनरली, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरली, इट्स गोइंग टू बी स्मॉलर एज कम्पेयर टू योर एनायंस। ओके ओके, चलो तो कैटायन क्या बनते हैं हमारे, मेटल मेटल के आयन बनते हैं जो जनरली पॉजिटिव होते हैं, एनायन क्या बनते हैं, नेगेटिव चार्ज बनाते हैं जो हमारे दूसरे मेटल मेटलिक नहीं होते हैं। अब इसमें दो चीज़ है, जो ये आयनिक बॉन्डिंग स्ट्रक्चर होते हैं सिरेमिक्स में वो दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। मतलब जो इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, और दूसरा है द रिलेटिव साइज ऑफ कटायंस एंड एनायन, ठीक। यानी सबसे पहली बात कि जो 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 क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये जो दो या दो से ज्यादा जो भी आपके पास मेटल और अदर एलिमेंट्स हैं उसके जो उनमें उनके बीच में इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा है और कितने मैग्नीट्यूड का है, ठीक। तो जनरली ये है कि जो भी मेटल सिरेमिक बनेगा वो न्यूट्रल होना चाहिए ओवरऑल, ठीक है। लेकिन ये ओवरऑल की बात हो रही है, मतलब जैसे CA और F2 में बात करें तो CA में कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव है, F में जो है 1 नेगेटिव है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इसका क्या मैग्नीट्यूड, इस चीज पे डिपेंड करेगा इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओवरऑल जो है सेरेमिक्स शुड बी टेंडिंग टू वर्ड और ऑलमोस्ट इट्स गोइंग टू बी ए न्यूट्रल कंपाउंड। ओके, तो
एक चीज इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज ये है कि रिलेटिव साइज, रिलेटिव साइज की जब मैं बात करता हूं तो मैं देखिए मेरे पास रिलेटिव साइज की जब मैं बात करूंगा तो मेरे पास एक तो कटाइन है एक एनायन है कम से कम, ठीक। तो उनमें जो आर सी वाई आर ए का अगर मैं रेशियो निकालू, आर सी क्या है इसमें, आर सी है कटाइन का साइज मेरा, एंड आर ए इज योर एनायन साइज। तो इसको मैं जब देखता हूं तब उससे मेरे को पता लगता है कि इनका रिलेटिव साइज क्या है। तो जनरली ये जो है मोस्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट गोइंग टू बी लेस देन वन, ठीक है। क्यों? क्योंकि कैटायन हमें पता है मेटल से बनते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है जिनका साइज कम होगा, तो जो कैटायन जो आर सी बाई आर ए का रेशियो वो जनरली वन से कम होता है, ठीक। ऐसा नहीं कि सब सब केसेस में, बट इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस, ऑलमोस्ट इन ऑल द केसेस वी आर गोइंग टू गेट द आर सी बाई आर आर ए रेशियो टू बी लेस देन वन। चलिए तो इनमें क्या होता है कि अब कोशिश देखिए, जब ये अपोजिट चार्ज के हैं, ठीक है, ये जो है मेरा कटायन है, सॉरी ये मेरा एनायन है और ये मेरा कटायन है, ये एनायन है, एनायन है, तो एनायन, ठीक है, जनरली एनायन इज गोइंग टू बी लार्जर। तो इसमें क्या होगा, ये कोशिश कटायन क्या कोशिश करेगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम एनायन के साथ में कॉन्टेक्ट में आ पाए, तब वो स्टेबिलिटी को अचीव कर पाएगा। अगर जैसे ही इसका साइज छोट कम होगा तो वो कुछ स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से बनाने की कोशिश करेगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो उसको दूसरे कैटायंस को टच में कर पाए। अगर ये कुछ इस तरह से बन पा रहा है कि जो टच नहीं हो पा रहा है या फिर इसकी कांटेक्ट ज्यादा नहीं हो पा रहे हैं, तो इन दैट केस इट गोइंग टू बी अनस्टेबल वन, ठीक। तो जितना ज्यादा ये टच में होगा उतना ज्यादा, क्योंकि ये अपोजिट चार्जेस है, ठीक, तो उतने ज्यादा स्टेबिलिटी को दिखाएंगे और ये उसके अकॉर्डिंगली अनस्टेबिलिटी को दिखा रहे हैं इस तरफ से, इस डायरेक्शन में अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि इन दोनों का साइज का डिफरेंस, देखिए रिलेटिव साइज है ये काफी बड़ा है इसके कंपैरिजन में, तो है सही बात है, लेकिन जो रिलेटिव साइज है इस वाले एग्जांपल में देखिए बहुत छोटा है कटाइन, ऑन द अदर हैंड एनायन इज वेरी लार्ज इन दिस एग्जाम्पल, सो इट इज गोइंग टू फॉर्म ए अनस्टेबल कंपाउंड। तो जनरली जो हम लोग आर सी बाई आर ए का रेशियो निकालते हैं, यानी कटायन का रेडियस और अपॉन एनायन का रेडियस, उससे हमें ये पता लग जाता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ठीक, इन केस ऑफ सेरेमिक्स। सो दिस इज द चार्ट फ्रॉम वेयर यू कैन अप्रोक्सीमेट दैट व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन मतलब जो नियरेस्ट नेबर्स है हमारे पास, या फिर जो जो एक जो आपको टच कर रहे हैं वो कितने हैं, ठीक है, एक आयन को टच करने वाले कितने हैं या फिर नियरेस्ट नेबर कितने हैं उससे। तो जनरली जो 0.155 है उसका जो उससे नीचे अगर है कैटायन और एनायन का रेडियस रेशियो, ठीक है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहेगा। ऐसे सिमिलर इसके इसके बीच में लाई करेगा तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, 0.225 से 0.414 के बीच में लाई करेगा तो उसका नंबर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। सिमिलरली फॉर 6 दीज आर द डायमेंशन एंड फॉर 8 दीज आर द डायमेंशन, एंड यू कैन सी हियर ये बेसिकली जब एक ये कटाइन ये आपका है स्मॉल साइज में है तो एनायंस जो है ये लीनियरली इस तरह से जुड़े हुए हैं। जैसे ही ये जो है आपका कटाइन का साइज जो है एज कम्पेयर टू ये बिगर होगा तो ये एनायंस को और कोशिश करेगा कि एनायंस के पास आ जाए, तो यू कैन सी दैट इट द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी कॉम्प्लेक्स वन, ठीक। तो इस तरह से ये आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं अगर आपको कैटायन और एनायन का रेडियस रेशियो पता है, ठीक। तो दो चीजें हुई हमारे पास, एक तो पहली बात ये जनरली जो सेरेमिक्स होंगे वो दे आर गोइंग टू बी न्यूट्रल वन, दो और दो से ज्यादा उसके बने होते हैं, और रिलेटिव साइज से आप जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता कर सकते हैं और स्ट्रक्चर भी पता कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से है आपका है। अब जो बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है सेरेमिक्स में वो सबसे पहला है आपके पास एक्स टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एक्स का क्या मतलब है, इसमें अगर ए मेरा जो है कटाइन को दिखा रहा है और एक्स जो है मेरा एनायन को दिखा रहा है, तो बेसिकली ये इस वाले इस तरह के कंपाउंड में एक्स वाले टाइप में जो एलिमेंट्स होंगे वो नंबर उनका सेम होगा, यानी जैसे NaCl हो गया, ठीक, या फिर इस तरह से
KCl हो गया, इस तरह से जो स्ट्रक्चर है वो, या फिर KCl नहीं सॉरी, ये MgO हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो AX टाइप बनाएंगे। AX टाइप में क्या है, ठीक है, इसमें कैटायंस और एनायंस जो है नंबर में बराबर है, ठीक। सबसे पहली बात कर, नंबर ऑफ कैटायंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनायंस, जितने कैटायंस है उतने एनायन, यानी जितने NaCl वाले एग्जांपल है, जितने Na के आयंस है उतने Cl के भी आयंस है, ठीक। सबसे पहली बात तो ये, तो इसका जो सबसे, देखिए जनरली AX टाइप में बहुत टाइप्स आते हैं, तो इसमें जो सबसे पहला है आपके पास वो है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में तो इसमें जो सबसे पहला एग्जाम्पल आपके पास है वो है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर का AX टाइप में। तो रॉक सॉल्ट, देखिए इसका रॉक सॉल्ट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जनरली हम लोग NaCl को जानते हैं जो कि हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं, और ये इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बोल देते हैं। मतलब ये एक जनरल टर्म है, ऐसा कोई इसमें साइंटिफिक नहीं है। जो जनरली NaCl है उसको हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं, और सबसे मतलब जनरली हम लोग NaCl को सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो इस वजह से इस तरह के स्ट्रक्चर जो NaCl टाइप के हैं उसको हम लोग रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये किसका, किसके अंदर आता है, ये AX टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर आता है आपका रॉक सॉल्ट सबसे पहला, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर जो जिसमें नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस बराबर होंगे दैट आर गोइंग टू फॉर्म रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, यानी जो इस तरह के कोई स्ट्रक्चर जरूरी नहीं कि सब बनाए, ठीक। उनमें से कुछ जो जो है एग्जांपल जो यहाँ पे है वो ही बनाते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर। तो बेसिकली इसमें क्या है, रॉक सॉल्ट टाइप में देखिए सबसे पहले होते AX टाइप के अंदर है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, उसका सबसे पहला एग्जाम्पल NaCl है। NaCl में इसका यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें ये आपको लग रहा होगा कि ये पूरा पूरा अलग अलग यूनिट सेल है, नहीं बेसिकली ये एक ही यूनिट सेल है। इसमें देखिए जो Na के जो Cl के जो एटम्स है वो कॉर्नर्स पे हैं, ठीक है, नॉट कॉर्नर, दिस वन 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 एंड दिस वन, ठीक, और ये दीज आर ऑन द फेसेस, ठीक, ये जो है इसके फेसिस पे। तो बेसिकली ये एक तरीके से इस तरीके का है कि इसको प्रॉपरली आप फेस सेंटर्ड क्यूबिक नहीं कह सकते, लेकिन देखिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक इन द सेंस, देखिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या रहता है, फेस पे रहते हैं और कॉर्नर्स पे रहते हैं, जो आपके जो क्यूब है उसके ये जो क्यूब है आपके पास, मैं थोड़ा रंग से बना लूँ इसको, इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूब है आपके कॉर्नर्स पे रहते हैं, ठीक है, एटम्स, उसके अलावा इसके फेसेस पे रहते हैं, ठीक। वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर है इसका, आप अगर इस ब्लैक वाले को Na के एटम्स को थोड़ी देर इग्नोर करें तो कुछ इस तरह से बनेगा ये, ठीक है। तो इसको आप प्रॉपरली FCC स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते, बट इट इज मोर लाइक FCC स्ट्रक्चर। इसमें क्या है कि क्योंकि ये Cl के एटम्स जो है काफी साइज में बड़े हैं, तो उनके जो वॉइड होंगे, जैसे ये सपोज करिए ये एक एटम है, ये दूसरा एटम होगा इसके टच में होगा, इसके नीचे पे तीसरा एटम होगा, ये ऐसे चौथा एटम है। तो बेसिकली जो Na के एटम होंगे इसके वॉइड में कहीं पे बीच में आ जाएंगे, क्योंकि साइज में कंपेरेटिवली छोटे हैं। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना है, तो इसको प्रॉपरली आप FCC नहीं बोल सकते, लेकिन मोर लाइक ये FCC टाइप का है। तो इसमें क्या है कि जितने नंबर ऑफ क्लोरीन के एटम है आयंस है उतने सेम नंबर ऑफ Na के भी हैं, ठीक। इस तरह के जो स्ट्रक्चर है, जो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये शो करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, MnS, LiF और FeO, ठीक है, ये इस तरह के आपके स्ट्रक्चर शो करते हैं। NaCl जो है बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 6 के साथ आता है। ये कैसे पता चलेगा, ये बेसिकली पता चलेगा जब आप आर आर सी अपॉन आर ए निकालेंगे, यानी कटायन का रेडियस और एन का रेडियस निकालेंगे, यानी NaCl का कंपेयरिंग करेंगे, और इस चार्ट से अगर आप देखेंगे तो वो कहीं इस रेंज में लाई करो, ठीक है, तभी आप बोल रहे हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आपका 6।
तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। इसके अलावा सबसे पहला हमने बताया रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है, दूसरा है हमारे पास सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, और थर्ड वन इज जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। देखिए ये भी सारे के सारे सीजियम क्लोराइड वाले और जिंक ब्लेंड वाले स्ट्रक्चर जो है ये भी आपके एक्स टाइप में ही आते हैं, ठीक है, एक्स टाइप में ही, जिसमें यानी इसका मतलब है नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस बराबर है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है आपका सीजियम क्लोराइड यानी CsCl, ठीक। तो इसमें आपको लग रहा होगा जैसे ये इसका CsCl का एग्जाम वो है सीजियम क्लोराइड का, ये स्ट्रक्चर बना रखा है यहाँ पे। आपको ये लग रहा होगा कि ये बॉडी सेंटर्ड है, इट इज नॉट बॉडी सेंटर्ड बिकॉज यू कैन सी दैट क्लोरीन एटम्स आर एट द कॉर्नर्स, ठीक है, और जो ये बीच में है ये क्लोरीन का एटम नहीं है, आपका सीजियम का एटम। तो इसको आप जो है बीसी से स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे, सबसे पहली बात तो ये। इसके जब आप साइज देखते हैं, रिलेटिव साइज कैलकुलेट करेंगे इन दोनों का, अगर आप देखें इसको, तो इसके हिसाब से इनका इसका रेशियो इस ये जो आर सी अपॉन आ रहे हैं उसका रेशियो इस रेंज में लाई करेगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8। तो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम क्लोराइड इज 8। अदर एग्जांपल्स आर सीजियम ब्रोमाइड एंड सीजियम आयोडाइड। तो इस तरह के जो ये जो है सीजियम ब्रोमाइड और सीजियम आयोडाइड आर गोइंग टू फॉर्म सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। और बेसिकली ये देखिए ये एक्स टाइप में ही है, ठीक है। अब इसको एक्स टाइप में सबसे पहले हमारा रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर है, दूसरा है हमारे पास सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर जो है वो सीजियम क्लोराइड शो करता है, सीजियम ब्रोमाइड शो करता है, सीजियम आयोडाइड करता है, जो बेसिकली इस तरह के होता है, ठीक। तो ये है बेसिक फंड। इसके बाद हमारे पास जो एक्स टाइप में नेक्स्ट है वो है जिंक ब्लेंड। अब मैं इसको जिंक ब्लेंड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जनरली सबसे ज्यादा हम इसको जानते हैं, वैसे हम लोग इस तरह के स्ट्रक्चर को जिंक ब्लेंड टाइप बोलते हैं। इससे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस केस इज 4, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक्स टाइप में कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम रहेगा, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक्स टाइप में सबका कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहेगा। देखिए आप देख ही रहे सीजियम क्लोराइड में जो सीजियम क्लोराइड टाइप की उसमें 8 रहता है, सीजियम क्लोराइड का 8 है, और इसमें देखें जिंक ब्लेंड में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक। सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, इवन दो दैट दीज आर एक्स टाइप आर कमिंग इन द एक्स टाइप ऑफ कैटाइन। एक्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ कैटाइन्स और नंबर ऑफ एनायंस बराबर है, ठीक। तब भी जो है अलग तरह के स्ट्रक्चर देख रहे हैं। देखिए जिंक ब्लेंड में देखिए इसके अदर एग्जांपल्स है जिंक सल्फेट, जिंक टोलोराइड, सिलिकन कार्बाइड, दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। देखिए इसमें एक चीज है, ये एक तरीके का आपका टेट्राहेड्रल शेप बना रहा है। कैसे टेट्राहेड्रल बना रहा है इसको देखें, ये एक एटम अगर हम मैं देखूं, एक पहला एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम और चौथा एटम, इसको अगर मैं एक साथ लूं यहाँ पे बाहर बाहर पे अगर इसको बनाऊं तो इस तरह से है, एक एटम, दूसरा एटम इधर पे है, ठीक, तीसरा एटम है एंड फोर्थ वन इज, और ये बेसिकली इस तरह से, ये नीचे पे अगर मैं इसको जोड़ दूं और ये एक ट्रायंगल टाइप का बनाया, और सिमिलरली इस वाले को मैं तीनों साइड से जोड़ दूं, ये इस तरह से। तो ये आपका बेसिकली एक टेट्राहेड्रल टाइप का शेप बना रहा है, और इसके बीचों बीच में जो है जिंक का आपके पास वो जो आयन है, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका शेप है, तो ऐसे ही सारे ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर बना। तो आप इसको किसी भी कैटेगरी से ऐसे सीधे नहीं बोल सकते कि ये जो FCC में है कि इसमें ये अलग तरह के स्ट्रक्चर है, दीज आर मोर कॉम्प्लेक्स देन योर मेटल बॉन्ड, ठीक। तो ये हमारे पास तीन तरीके के हैं, एक्स टाइप में रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, सेकंड वाले सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, इनके एग्जाम्पल्स आर दीज, ठीक। इसके बाद है नेक्स्ट कैटेगरी हमारी, जिसमें हमारे पास AMXP टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर। AMXP का क्या मतलब है, जिसमें नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस बराबर नहीं रहते, जैसे इसमें ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे A2 और X3 इस तरह से कंपाउंड जो है। अब हमने जो एग्जांपल लिया है इन दिस केस, मतलब जो नंबर ऑफ कैटायंस जो है हमारे वो नंबर ऑफ एनायंस के बराबर नहीं रहेंगे, उनको हम लोग AMXP टाइप बोलते हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी हो सकता है, M का कुछ भी नंबर हो सकता है, P का कुछ भी नंबर हो सकता है। हमने एक सबसे सिंपल एग्जांपल यहाँ पे लिया है कैल्शियम फ्लोराइड का। देखिए इस वाले केस में जो
आपके पास जो फ्लो दो दो फ्लोराइड है आपके पास, एक कैल्शियम के करस्पॉन्डिंग, ठीक। तो इस वजह से ये जो है AmXp टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक। अब जो कैल्शियम फ्लोराइड है वो उनका जो एनायन और कटायन का रेशियो, कटायन बाय एनायन का रेशियो 0.8 के करीब आता है, और 0.8 आपका कहाँ पे लाई करता है, 0.8 इज गोइंग टू लाई बिटवीन 0.732 to 1, ठीक है। तो इस वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 8 है, ठीक। सबसे पहली बात। दूसरे इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके पास यूरेनियम ऑक्साइड डाइऑक्साइड, प्लूटोनियम डाइऑक्साइड एंड थोरियम डाइऑक्साइड। दीज आर द अदर कंपाउंड विच आर गोइंग टू मेक स्ट्रक्चर सिमिलर टू योर CF2, विच इज शोन इन दिस फिगर। इसमें आप देखेंगे तो बेसिकली ये आपको काफी सिमिलर दिखेगा आपका जिंक ब्लैंक के स्ट्रक्चर से, लेकिन इसमें जो है आपके पास जो फ्लोरीन के जो एटम्स हैं वो नंबर जो है ज्यादा है कंपेरिजन टू योर क्लोरीन, ठीक। तो ये जो है स्ट्रक्चर इसकी काफी सिमिलरिटी से मिली इसको, मतलब कोई मतलब करेक्टरिस्टिक नहीं मिले, मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ये जो है आपका एक एग्जांपल है AmXp टाइप स्ट्रक्चर, यानी जब नंबर ऑफ कैटायंस आर नॉट गोइंग टू इक्वल टू योर नंबर ऑफ एनायंस, ठीक। यानी जो इनका जो है नंबर डिफरेंट है। नंबर कब डिफरेंट होगा, जब इनमें जैसे मेटल है कैल्शियम मेटल है, इसका जो जो आई इलेक्ट्रॉन ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रिलीज कर सकता है, ये इट कैन रिलीज 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट फ्लोरिन कैन अटेन ओनली 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। इस वजह से जो है दो फ्लोरीन जो है मिलके एक CF2 का मॉलिक्यूल बनाएंगे। इस वजह से ये इस तरह से सिमिलरली ये जो एग्जांपल्स हैं ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। जरूरी नहीं है कि और दूसरे हों, जैसे अगर मैं किसी कोई कंपाउंड अगर मैं लूँ A3X6 लूँ, इस तरह से कोई कंपाउंड अगर बन रहा है उसका कोई जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रक्चर हो, खाली एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो है हम तीसरी कैटेगरी बनाते हैं AmBnXp टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये इसमें आप समझ रहे हैं कि सिंपल है, इसमें जो ए है और बी है वो बेसिकली आपके कटाइंस बनाते हैं, और XP जो है एनायन एनायन का शेप लेता है। यानी जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है बेरियम टाइटेनेट में बेरियम और ये जो टाइटेनेट है ये जो है पॉजिटिव कटाइन की तरह बिहेव कर रहे हैं, और जो ऑक्साइड है वो नेगेटिव आयन की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस बेसिकली इस तरह से वो स्ट्रक्चर बना रहा है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ आयन्स जो है सबसे पहली बात डिफरेंट है, यानी मतलब इलेक्ट्रॉन देने की जो मतलब AX टाइप के नहीं है, यानी जो उनके जो नंबर्स हैं Ba का 1 है यहाँ पे, ठीक। नंबर ऑफ आयन्स 1 है, और टाइटेनियम के भी 1 है, ऑक्सीजन के केस में ये 3 है, ठीक। तो वो इस तरह से बनेगा। ये जो इसका स्ट्रक्चर है बेसिकली बड़ा सिंपल इस तरह से बनता है। आपको ये फेस 100 क्यूबिक की तरह लग रहा होगा, बट इट इज नॉट फेस 100 क्यूबिक, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए 3 अलग अलग तरह के एटम है, एक तो बेरियम का है, एक टाइटेनियम का है, एक ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन का जो ये आप पिंक कलर से देख रहे हैं या रेड कलर से देख रहे हैं, वो जो है बेसिकली ऑक्सीजन का है। जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं, बैगनी कलर में थोड़ा सा, ये बेरियम का है, और ये Ti का जो है छोटा सा एक सिंगल एटम। तो इसके इसके जो इस तरह के जो शेप है वो एक तो बेरियम टाइटेनेट दिखाता है, दूसरा जो है स्ट्रोनियम जिंकोनियम ऑक्साइड SrZr O3, इस तरह से जो है इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें जो है M की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 से कुछ भी हो सकती है, वो डिफरेंट टाइप का शेप बनाएंगे वो आपका, मतलब हर हर एग्जाम्पल को याद करना जरूरी नहीं है, मतलब कुछ एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। तो ये सबसे फेमस एग्जाम्पल्स हैं ये। चलिए अब डेंसिटी कंपटीशन में कैसे करते हैं डेंसिटी हम पता। सबसे पहली बात, जिस फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में क्या है, डेंसिटी वाली फॉर्मूले में रो इज योर डेंसिटी एंड इज योर नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल। यानी इसका मतलब क्या है, देखिए ये एन डैश है
अभी इसके बारे में बताते हैं कि एंडेस है क्या बेसिकली। जैसे मैं इस वाले एग्जांपल बेरियम टाइटेनेट में एक यूनिट सेल में मेरे पास Ba(TiO3) अगर मैं यहाँ पे इस कंपैरेटर के लिए इस एन की वैल्यू रखना चाहूंगा तो ये बेसिकली इज गोइंग टू बी वन, गोइंग टू बी वन एंड इट्स गोइंग टू बी थ्री। तो वन प्लस थ्री बेसिकली यहाँ पे मैं वन टू प्लस थ्री यानी फाइव, तो फाइव वैल्यू यहाँ पर एन की जगह मैं फाइव रखूँ, ये एक यूनिट सेल के लिए। ठीक, तो इस तरह से बनना है एन की वैल्यू। ए सी इज योर एटॉमिक वेट फॉर ऑल कटाइंस, जो ए सी क्या है आपका समीशन है कटाइंस के, जितने भी कटाइंस है उसके अंदर उनका एटॉमिक वेट का, ये क्या है ए ए क्या है समीशन है एटॉमिक वेट का आपके अनायंस का। वी सी क्या है वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, जो उसका वॉल्यूम होगा वो है वी सी। एंड एन ए इज योर एवोगाड्रो नंबर विच इज 6.023 × 10^23 कॉन्स्टेंट। ठीक, तो इस तरह से आप जो है डेंसिटी जो कंप्यूट कर सकते हैं सेरेमिक के केस में। चलिए अब जो है ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई, अब जो है हम लोग सिलिकेट्स की बात करते हैं। ठीक है, सिलिकेट बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट सेरेमिक का एग्जांपल है। सिलिकेट जो है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, यानी जो आप जो सिलिका जो सुनते हैं नाम वो बेसिकली इसी का इसी की वजह से सुनते हैं। जो आप सैंड जो बेसिकली सैंड हो गया या क्ले हो गया, ये जो है वो बेसिकली सिलिकेट्स हैं। ठीक है, और सिलिकेट्स का मतलब क्या होता है, सिलिकेट्स का मतलब है दीज आर द जो मेन में जो चीज होगी वो होगी सिलिकन और ऑक्सीजन। ठीक है, सिलिकेट में दो चीजें मेन होंगी, एक तो सिलिकन होगी दूसरा ऑक्सीजन। अब और ये बहुत ही एबंडेंट है, जैसे आप जो है सॉयल्स में ज्यादातर जो सॉयल है वो सिलिकेट्स की है, रॉक्स जो है इसी तरीके के क्ले हो गया सैंड हो गया ये जो है, और ये मतलब ज्यादातर चीजें जो है इस घुमा फिरा के इन्हीं सब चीजों की बनी रहती है, इस वजह से ये बहुत ही एबंडेंट में पाया जाता है। ठीक, बेसिकली अगर इसका स्ट्रक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका जो मतलब आप यूनिट सेल के फॉर्म में नहीं देखते हैं हम इसको स्टडी करते हैं, हम लोग इसका बेसिकली एक सिंपल सा स्ट्रक्चर देखते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है जो इस तरह से होता है कि इसमें सिलिकन का जो आयन है वो इस तरह से बीच में होता है और ये जो ऑक्सीजन के आयन हैं वो इस तरह से साइड में होते हैं, और ये एक तरह से टेट्राहेड्रल शेप बना है, जैसे पिछले वाले उस एग्जाम्पल बना रहा था, तो इस तरह से ये एक टेट्राहेड्रल शेप बना रहा है, एक एटम ऊपर है नीचे पे एक दो तीन नीचे है, एक ट्रायंगुलर बेस है और ये सेल्स जुड़ा हुआ है सबसे, इसके बीच में जो है जो वॉइड है मतलब जो खाली स्पेस बच गया, जो दो स्पेयर्स हैं उनके बीच में जो खाली स्पेस बच गया उसके बीच में जो वॉइड होता है वो जो है आपका सिलिकन इस तरह से जुड़ा है। ठीक है, चलो तो इसमें जो सबसे सिंपल है वो है सिलिकेट्स पे, सबसे सिंपल है जो सिंपलेस्ट सिलिकेट है वो है सिलिका। ठीक है, SiO2, तो उसके भी तीन तरीके के होते हैं बेसिकली, एक है क्वार्ट्स, एक है क्रास्टोबेलाइट और दूसरा है ट्रामाइट। ठीक है, ये जो है सबसे सिंपलेस्ट सिलिका मटेरियल्स हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है जनरली 11710 से ऊपर रहता है। ठीक, या फिर इसके आसपास रहता है, यानी 1700 जो है मेल्टिंग डिग्री सेंटीग्रेड जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट रहता है, इट इज वेरी हाई कंपेयर टू योर अदर। तो एक चीज आपको ये चीज पता चलती है कि सिलिका आर वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंसेस। ठीक, और जो सिलिका है वो सबसे सिंपलेस्ट सिलिकेट है, सिलिकेट के अंदर कैटेगरी है सबसे सिंपलेस्ट सिलिकेट जो है सिलिका है, और उसके तीन तीन फॉर्म में रहता है, क्वार्ट्स में, क्रिस्टोबेलाइट में और ट्रायमाइट में। ट्रायमाइट देखिए ये जो है इनके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक, तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं इनके। इसके बाद हमारे पास जो सिलिकेट हैं
उसको और फर्दर अगर हम देखें तो देखिए इसमें इस वाले एग्जांपल में क्या है, ये सिंपल सा जो है सबसे सिंपल एग्जांपल है आपका सिलिका। तो इसमें इसमें बेसिकली क्या है, कुछ नहीं है सिंपल सा। इसमें जो बेसिक जो है वो एक एक सिंगल कंपाउंड की सिंगल सिंगल कंपाउंड से अब सिंगल कंपाउंड की तरह काम कर रहा है, यानी मतलब एक बेसिकली एक टेट्राहेड्रल शेप है, उसको आपने जो है जोड़ के ये सिलिका टाइप का कंपाउंड बना लिया। ठीक, अब ऑन द अदर हैंड जो जो सिलिकेट्स है उसको दो और फर्दर कैटेगरी में बांट सकते हैं, सबसे पहले सिंपल सिलिका एंड दूसरा लेयर्ड सिलिकेट्स। ठीक है, इसमें है क्या बेसिकली, ये जो टेट्राहेड्रल शेप्स जो बन रहे हैं, जो SiO4 नेगेटिव है, फोर नेगेटिव, वो इस तरह से बना है। इसके इसके में जो है आपके पास फोर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको किसी तरह के अगर किसी अगर मेटल से जोड़ दूं, जैसे इस एग्जांपल में Mg से मैंने जोड़ा, Mg में टू पॉजिटिव रहता है, तो इसको इसके इसके साथ में कंबाइन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, Mg2SiO4 बनाना पड़ेगा। फॉस्फेटाइट है इसका एग्जाम्पल, Mg इसको फॉस्फेटाइट बोलते हैं। तो ये जो है इस तरह से इसके साथ में Mg जो है इसके साथ में जुड़ सकता है। अब अगर ये तो हुआ सबसे सिंपल केस, दूसरे जो सिंपल सिलिकेट्स हैं वो कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि जो आपके एक 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 से ना जुड़ के ये दो जो हैं अलग अलग इस तरह से कंपाउंड बना ले, और उनमें जो नेट नेगेटिव चार्ज वो कितना आएगा, 6 नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जुड़े, ये जैसे कैल्शियम है तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम एक साथ जुड़ गए, तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह के का है, सिंपल सिलिकेट में वो जो है एक्रोमाइट का है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है, जो ये Si2O76 नेगेटिव है इसे जुड़ गए। ठीक, जिसमें से कैल्शियम टू पॉजिटिव देगा, दो कैल्शियम है आपके पास, तो ये फोर पॉजिटिव कैल्शियम से आएगा और जो मैग्नीशियम से एक टू पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये न्यूट्रलाइज न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो, ऐसी इस तरह से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं सिलिकेट्स। अब ये जनरली तो ये SiO4 इस तरह से बनाता, लेकिन कई बार जो है ये सिंपल स्ट्रक्चर ना लेके ये लेयर फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाने लग जाते हैं। ठीक है, अब लेयर फॉर्म में किस तरह से बना रहे हैं, लेयर फॉर्म में इस तरह से बना रहे हैं, जैसे ये Si2O5 2 नेगेटिव तरीके, तो ये एक पूरी की पूरी ये जो है इसने इस तरह से एक लेयर बना दी। ठीक है, टू डायमेंशनल लेयर है, सिंपल एक लेयर है। ठीक, तो वही इसमें एग्जांपल, ये जो है एग्जांपल है Si2O5 2 नेगेटिव का। देखिए क्या है कि ये इस तरह से ये है, इसमें नेगेटिव चार्ज है। ठीक, तो बेसिकली ये जो पूरी लेयर है उस वो यहाँ पे है। अब इसमें जो ऑक्सीजन है उसका एक कुछ ऑक्सीजन जो है इसके जो जो पूरा ये स्ट्रक्चर बन रहा है इसके प्लेन में नहीं है, एक एक लेयर तो ये बनी है इसकी यहाँ पे। ठीक है, जिसमें जो ब्लैक ब्लैक कलर से दिखाया सिलिका दिखाया, और ये जो ग्रे कलर से दिखा रहे हैं, ये आपका क्या दिखा रहे हैं, ये ऑक्सीजन के एटम्स दिखा रहे हैं, किस वाले किसके लिए, SiO5 2 नेगेटिव के लिए। ठीक है, अब इसको किसी दूसरे उस अब इसके कुछ एटम्स जो जो ऑक्सीजन के कुछ एटम्स है जिसमें नेगेटिव चार्ज है, वो बेसिकली इस लेयर से लेयर में ना होकर कुछ जो एटम्स है इसके लेयर से बाहर होते हैं। ठीक, तो वो यहाँ पे आ गए और ये जुड़ रहे हैं दूसरे Al2OH4 2 पॉजिटिव। ठीक, कैसे जुड़ रहे हैं, इसमें जो ये जो आपको ये सबसे पहली बात, इस वाले लेयर के अंदर आपको ये रेड दिख रहा है वो है आपका OH नेगेटिव। ठीक, तो ये बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीजन का भी नेगेटिव है, OH का भी नेगेटिव है, इस वजह से ये जो लेयर बन रही है, इस ये वाली जो सेकेंड लेयर है वो है एनायन मिड प्लेन की। ठीक है, और ये वाली जो बेसिकली Si2O5 नेगेटिव वाली ये वाली लेयर हो गई। ठीक, तो ये बेसिकली क्या है, कुछ ये जो यहां से यहां तक है ये किसकी है, Si2O5 2 नेगेटिव की लेयर। ठीक, ये एक सिंगल लेयर है, कुछ के कुछ जो एटम्स हैं वो जो है एक्सटेंडेड हैं, तो ये जो पूरा ये है आपका इस तरह से बना रहा। और सिमिलरली जो आपके पास Al2OH4 2 पॉजिटिव है, उसके जो OH नेगेटिव वाले एटम्स हैं वो इस जगह पे आए हैं। ठीक है, और
इसकी ये जो व्हाइट वाले हैं वो अल्मोनियम के हैं, जैसे यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक वाले जो दिख रहे हैं आपको वो सिलिकन के हैं, यहाँ पे जो व्हाइट वाले हैं वो अल्मोनियम के हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जो है ओ एच निगेटिव के मेन एटम, सिमिलरली यहाँ पे ओ टू निगेटिव के हैं, वैसे यहाँ पे ओ एच निगेटिव के एटम, यहाँ पे अल्मोनियम के एटम है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव, ये जो है पूरा पूरा नेगेटिव चार्ज। तो एक तरीके से ये जो है यहाँ से ये लेकर यहाँ तक कुछ पोर्शन जो है इसका पॉजिटिव पॉजिटिव लेयर बना रहा, ये जो सिलिकन वाला ये वाला पोर्शन है वो इसका नेगेटिव बना। तो ये जो है आयनिक बॉन्ड से, आयनिक कोवेलेंट टाइप के बॉन्ड से ये जुड़ गए, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से जुड़े। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये देखिए बहुत ही स्ट्रांग होता है ये जो है इतना से, मतलब काफी स्ट्रांग बॉन्ड है क्योंकि एक तरह से आयनिक टाइप का बॉन्ड है। अगर मैं इसी को जो है स्ट्रक्चर को एक और यहाँ पे बगल में करने की कोशिश करूँ तो अब उसमें नेट चार्ज तो जीरो होगा, ठीक। इस स्ट्रक्चर को अगर मैं यहाँ पे सिमिलरली स्ट्रक्चर जो इसके बिल्कुल साइड में रखूँ तो उसका नेट इस यहाँ पे ऐसे रख दूँ तो उसका जो नेट चार्ज होगा वो जो है न्यूट्रल होगा ऑलमोस्ट। तो इन इन ये तो क्योंकि आयनिक और कोवलेंट टाइप का बॉन्ड तो काफी स्ट्रांग है, लेकिन ये इन ये जो एक लेयर ये इस तरह से बनी है पूरी एक कॉम्बिनेशन, इसका जो इस तरह से जो दूसरी साइड में इसका कॉम्बिनेशन है उसके बीच में जो है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज नॉट गोइंग टू बी आयनिक, इट इज गोइंग टू बी वंडर बॉल। तो ये जो साइड दूसरी जो साइड लेयर है इसकी, देखिए अपर लेयर तो स्ट्रांग है लेकिन जो उसकी साइड साइड लेयर्स हैं दे आर गोइंग टू बी वेरी वीक, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है काफी वीक होगा क्योंकि वो आयनिक नहीं होगा ना ही कोवेलेंट होगा, वो वंडर वॉल फोर्स के बेसिस पे होगा, ठीक है। इस वजह से ये काफी एडजेसेंट जो साइड्स में जो बॉन्डिंग होती है वो काफी वीक होती है। तो इस तरह से ये टू डायमेंशनल शीट से आप जो है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसको बोलते हैं ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है इसका Al2SI2O5OH4, इसको कैलोनाइट बोलते हैं इसको, जो ये Al2SI2O5OH4 है। ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली क्लेज वगैरह में बहुत पाया जाता है, ठीक। अब अगर मैं माइका की बात करूँ तो उसका जो केमिकल फॉर्मूला ये है, और टेल्क की बात करूँ तो उसका केमिकल फॉर्मूला ये है, काफ़ी यूज होते हैं लेकिन लेकिन माइकाज और टेल्क काफ़ी केमिकल यूज होते हैं, लेकिन आप इसके जो केमिकल फॉर्मूला है उन्हीं से देख सकते हैं कि ये कितने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होंगे, जबकि ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है Al2SI2O5OH4, इट इज वेरी सिंपल एज कम्पेयर टू योर माइकाज एंड टेल्क, ठीक। तो ये जो माइकाज एंड टेल्क है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपका, लेयर टाइप का एग्जाम्पल है आपका। तो सिलिकेट्स फिर से एक बार देख लेते हैं, देखिए सिलिकेट सेरामिक्स जो है वो बेसिकली सिलिकन और ऑक्सीजन की वजह से बनते हैं, ठीक। इस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर होता है कुछ टेट्राहेड्रल टाइप का, ये जनरली बहुत एबंडेंट में होते हैं, ज्यादातर चीजें जो रॉक है, क्ले है, अब देखिए सॉइल है, वो सैंड है, ये सारी चीजें सिलिकेट के अंदर आती, ठीक। इसमें हमारे पास सबसे पहले सिलिका, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है सिलिकेट्स का, बहुत तरह के सिलिकेट्स होते हैं। हमने अभी जो बात करी है सिलिकेट्स की वो है आपकी क्रिस्टलाइन सिलिकेट्स की, सबसे पहली बात तो ये क्रिस्टलाइन सिलिकेट्स की, इसके एमरफस फॉर्म्स में होते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट जो है सिलिका वो है आपके पास जो सिलिकेट है वो सबसे सिंपलेस्ट है वो सिलिका, जिसका केमिकल फॉर्मूला है SiO2, ठीक है, वो तीन कैटेगरी में आते हैं, ठीक। इसके बाद हमने देखा कि सिलिकेट जो है वो दो तरह की कैटेगरी में आते हैं, और उसको अगर फर्दर क्लासीफाई करें तो सबसे पहले सिंपल सिलिकेट्स जो कि सीधे सीधे कंपाउंड्स बना लेते हैं पॉजिटिव आयन के साथ में, और मतलब थोड़ी सी ब्रांचेस के साथ में, और दूसरी है आपका लेयर्ड सिलिकेट जो है पूरी पूरी एक लेयर बनाते हैं, फिर उसको जो है दूसरे जो अपोजिट चार्ज के साथ में अपोजिट चार्ज के साथ लेयर में जुड़ते हैं, और एडजेसेंट साइड्स जो हैं जिनमें जो इस तरह से सिमिलरली अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूं यहाँ पे बगल में तो एडजेसेंट साइड्स में जो लेयर होगी उसके बीच में इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा जो कि एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक। और माइकाज और टेल्क जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं एज कम्पेयर टू दिस वन ऑल्सो, ठीक। इसके बाद हमारे पास है कार्बन के हैं, कार्बन में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि कार्बन जो है ना ही ये पॉलीमर की कैटेगरी में प्रॉपरली आता है, ना ही ये मेटल कैटेगरी में ढंग से आता है, हमने क्लासिफिकेशन देखा, तो ना ही ये सेरेमिक कैटेगरी में आता है, और ना ही इन तीनों में नहीं आता है, तो
तो ये और भी जो कंपाउंड्स हो उनकी कैटेगरी में भी नहीं आएगा, यानी कंपोजिट की कैटेगरी में भी नहीं आएगा, क्योंकि इन तीनों में। तो कार्बन एक वेरी स्पेशल केस है। सबसे पहली बात, इसका जो कार्बन आप बोलेंगे सर पॉलीमर में होता है, ठीक है, लेकिन उसको प्रॉपरली इस तरह से नहीं डिफाइन करते हैं। तो कार्बन सिंपल प्योर कार्बन एक, हम लोग जब पॉलीमर की बात करते हो तो उस टाइम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, ठीक। लेकिन जब मैं अगर प्योर कार्बन की बात करूँ, वो इन तीनों कैटेगरी में प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते। तो लेकिन जो एक स्पेशल केस है आपका, जो ग्रेफाइट, ठीक है, वो ये सिलिकेट की कैटेगरी के कई बार क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपका काफी स्ट्रक्चर इसके जो है वो काफी सिमिलर और प्रॉपर्टी काफी सिमिलर दिखाता है ये लेयर सिलिकेट्स की तरह, ठीक। इस वजह से कई बार हम लोग इसको सिर्फ ग्रेफाइट वाले को हम लोग कई बार इसको उसके अंदर क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक। तो कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं, जैसे डायमंड्स हो गया, ग्रेफाइट हो गया, आप जानते ही हैं। उसके अलावा बकमिंस्टर फुलरेंस हो गया, जिसको हम लोग C60 बोलते हैं, ठीक। तो ये आप देख ही रहे होंगे कि ये जो डायमंड है वो कुछ इस तरह से एक कार्बन जो है चार दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है, और सिर्फ कार्बन से ही जुड़ा होता है। तो इसके अब मतलब, और हार्डेस्ट मटेरियल है डायमंड, ये भी पता है। इसका जो स्ट्रक्चर है काफी हद तक आपको ये जो है इसकी तरह दिख रहा होगा, ZnS की तरह। बस जो जो ZnS है, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, उसके उस जिंक को हटा के अगर आप जो है हर जगह सल्फेट रख दें, तो उसी की तरह ये दिख रहा है पूरी तरह से, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर इसका जो काफी हद तक जिंक ब्लेंड्स की तरह होता है, लेकिन हर जगह जो है कार्बन है इसमें। सबसे पहली बात, हार्डेस्ट मटेरियल है इसकी, इसकी तरह जो है आपके जर्मेनियम और सिलिकॉन भी इस तरह के सिमिलर बनाते हैं। अगर मैं जर्मेनियम को जोड़ू पूरी, और तो जो है, और सिलिकॉन को, सिर्फ सिलिकॉन को जोड़ू, तो वो इस तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन तब भी डायमंड इज हार्डेस्ट मटेरियल। दूसरी बात है ये ग्रेफाइट वाले केस में, ग्रेफाइट जो है वो आपको पता ही है कि लेयर्ड फॉर्म में वो बनाता है, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाता है। और जो एक एक लेयर है दूसरी लेयर के ऊपर जो है वीक वंडरवॉल फोर्स से जुड़ी होती है, इसी वजह से जो है पेंसिल के निडल में ये जो है यूज होता है, कि एक लेयर जो है दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप करती है। तो इसी वजह से जो आपके जो आप लिखना चाहते हैं वो इजिली आप लिख पाते हैं, क्योंकि वीक वंडरवॉल फोर्स है एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में, ठीक। हाँ, और ग्रेफाइट इस पर एक्सेप्शनल केस है कि ये जो है आपका कंडक्टिविटीज की बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से आपसे बोला जाता है कि पेंसिल के निब को कभी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में गलती से भी न डालें, ठीक। तो ये जो ग्रेफाइट है इसका सिलिकेट में कई बार क्लासिफाई करते हैं, इसलिए ये जो है बताना जरूरी है। और ये कई बार जो है ग्रेफाइट, क्योंकि लेयर लेयर्ड फॉर्म में होता है ये, तो कई, और इसको जो है अगर आप पाउडर फॉर्म में किसी मशीन कंपोनेंट्स के बीच में डालें, तो इन दैट केस इट्स यूजफुल एज ए लुब्रिकेंट ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि ये इसकी जो लेयर्स में वीक वंडरवॉल फोर्स है, तो जिससे काफी हद तक स्लिप करती है एक दूसरे के ऊपर लेयर्स, और स्लिप करती हैं तो फ्रिक्शन, दो जो दो कंपोनेंट आप यूज कर रहे हैं वो जो है, दो जो आप दो कंपोनेंट यूज करना चाह रहे हो उनके बीच में जो फ्रिक्शन है उसको काफी हद तक ये कम कर देता है। इस वजह से इसको काफी अच्छे लुब्रिकेंट की तरह यूज कर रहा था ग्रेफाइट को, ठीक। एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कार्बन के उसके, ठीक। तो इस तरह से हम लोग आज का लेक्चर खत्म करते हैं। दीज आर द सम फ्यू रेफरेंसेज विच आई यूज्ड फॉर मेकिंग द लेक्चर, एंड थैंक यू।